तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देखें आर एम मैकेनिक यूट्यूब में आपके लिए फिर से वीडियो लेके आया हूं, जिस बारे में बताऊंगा। जैसे इसमें दो कमी है, जैसे लकड़ी काटने वाला मशीन है, इसमें जैसे जैसे इसका जैसे मशीन लोड नहीं ले रहा है, दूसरे नंबर यहां से मोबिल नहीं फेंक रहा है, तो इसमें भाई दो कमी है। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में, तो गाइस चलता हूँ मैं आपको स्टार्ट करके, पहले नंबर देख लेता हूँ इसमें क्या दिक्कत है, कैसे क्या स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग को चलता हूँ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर स्विच को मैं ऑन कर लेता हूँ। इसमें देख सकते हैं पेट्रोल, क्योंकि देख सकते हैं पेट्रोल भी आ रहा है इसमें। तो हमने जैसे इसमें कम पेट्रोल है, तो क्योंकि इसमें दो मुंह में कार्बेटर लगा दिया था, उससे जैसे पंपिंग में दिक्कत हो रही थी, तो दो मुंह लगा के मैंने इसका बांध दिया था। तब देख सकते हैं, फिर मैं आप लोग को चालू करता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने किक मारा इसको, किक मारने के बाद देखा इसमें जैसे कंप्रेसर नहीं बना। तो पहले नंबर आपको जैसे ऐसी ही दिक्कत हो, तो पहले नंबर आपको क्या चेक करना है, तो आप लोग को चलता हूँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंसर है, सिलेंसर को आपको पहले नंबर खोल लेना है। तो मैं खोल लेता हूँ सिलेंसर को। पहले नंबर एलंकी दो ठी यहाँ पर एक, यहाँ दो एलंकी, आठ नंबर दो ठी बोल्ट लगा रहता है, तो आपको खोल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पिस्टन भी इसका सही है, तब भी मशीन नहीं चालू हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टन इसका सही है। तो फिर यहाँ पे आप कहाँ से दिक्कत होती है, कैसे दिक्कत होती है, कंप्रेसर क्यों नहीं बन रहा है, तो पहले मैं आपको मैं एक कवर खोल लेता हूँ। कवर में कोई जैसे दिक्कत हो सकती है, तो पहले नंबर मैं कवर खोल लेता हूँ। पहले नंबर आपको इसे खोलने के लिए पलक पहले खोल लें, तब उसके बाद यहाँ पर कवर खोलें। तो मैं पलक खोल लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इसका प्लग भी लूज था, तो मैं इसका कवर देखो, नया प्लग भी लगाए थे कस्टमर, यहाँ पर देख सकते हैं, तब भी मशीन से चालू नहीं हुआ। तो नहीं चालू हुआ तो हमारे पास लेके आया, तो इसको देखा, नया प्लग भी लगाया, भाई बता रहा था मैंने प्लग भी डाला, कुल चीज़ चेक किया, तब भी नहीं चालू हुआ। तो ठीक है, हमने रात के समय है, तो आप लोग को बना के इसे सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोग को दिखा दो, मशीन भी बन जा। तो चलता हूँ बनाता हूँ, पहले नंबर इसका पूरा पेज खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने सिलेंसर को बांध लिया, क्योंकि रात का समय है, तो भाई लोग सभी लोग सो रहे थे, तब सभी चलाऊंगा तो बहुत लोग जैसे डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए मैं सिलेंसर को बांध लिया। तब भी इसका मशीन का आवाज़ जो होता है बैलून बहुत तेज़ जाएगा, तब भी थोड़ा कंट्रोल तो हो जाएगा। पहले सिलेंसर खोलता बहुत तेज़ होता, इसीलिए मैंने सिलेंसर को बांध लिया, क्योंकि रात का समय है, आई पास लोग जैसे सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पर जैसे प्लग को मैं बांध के चालू करता हूँ, देखता हूँ, चलता हूँ चालू करता हूँ। प्लग को टाइट के लिए अपने इसको प्लग टाप लगा के चालू करता हूँ। पहले नंबर चौक में मशीन को ले लेता हूँ। देख सकते हैं चौक में भी नहीं हो रहा है। तो चलता हूँ चालू कर,
तो देख सकते हैं गाइस ऐसे ही दिक्कत हो रही थी, चालू होकर तुरंत मशीन बंद हो जाती थी, तो इसमें क्या दिक्कत है तो आप लोग को चलता हूँ बताता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बेटर, कार्बेटर से सिस्टम जो है दिक्कत कार्बेटर से है, तो मैं आपको कार्बेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बेटर को आपको खोल लेना है। ऐसे दिक्कत हो तो मान के चलिए कार्बेटर से ही दिक्कत है, जैसे एक्सीलेटर पे लेते तो मशीन बंद हो जाती है तो कार्बेटर से दिक्कत आता है। तो यहाँ से कार्बेटर मैं खोल लेता हूँ। अगर आपकी मशीन कभी भी जैसे ऐसी दिक्कत होती है तो कंफर्म यहाँ से कार्बेटर से ही दिक्कत है। कार्बेटर को खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे खोल लिया। देख सकते हैं गाइस इसमें तीन मुहा कार्बेटर भी लगा है तभी ऐसे दिक्कत है। यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल, पेट्रोल पूरा आ रहा है तब भी दिक्कत है। इसमें मैं आपको अभी नया कार्बेटर लगा था तब भी, जिसमें पेट्रोल पूरा फर्स्ट क्लास आ रहा है इसमें मैं कुछ लगा देता हूँ नहीं तो पेट्रोल ढेर गिरेगा इसको। अब देख सकते हैं गाइस इसमें क्या दिक्कत है। तो पहले नंबर मैं इसको खोल के आप लोग को साफ करके दिखाता हूँ। पहले नंबर ऐसी दिक्कत है ऊपर वाला कवर ही खोलें तो आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कार्बेटर को मैं खोलता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एकदम कचरा भरा है, देख सकते हैं जाली इसमें पूरा एकदम भरा है। तो मैं इसको निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ से। देख सकते हैं इसमें पूरा एकदम, इसमें अगर आपको पूरा कचरा भर जाएगा तो इस पंप जो है पंपिंग में भी तेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे पंपिंग में तेल जैसे बहुत कम कम आएगा तो ऐसे ही दिक्कत होगा। तो इसमें मैं साफ कर देता हूँ अच्छे से, देख सकते हैं अच्छे से साफ कर लें इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा साफ हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा एकदम कचरा भरा है, देख सकते हैं इसका फिल्टर यही है, इसी से दिक्कत होती है सबसे ढेर। यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ पूरी जो कार्बेटर में भटा है। तो फिर यहाँ पे देख सकते पूरा एकदम कार्बेटर देख सकते हैं पूरा साफ से नहीं दिख रहा आपको कि पूरा कचरा इसमें भरा है। तो मैं इसमें पेट्रोल डाल के साफ करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस मैंने इसको कार्बेटर को फिटिंग कर दिया है। अब इसको बांध के आप लोग को दिखाता हूँ चालू कैसे होता है, क्या दिक्कत होता है। तो चलता हूँ चालू करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें पाइप में बैठा लेना है। पहले नंबर इस पाइप को कोई एक्सीलेटर वाला देख सकते हैं, एक्सीलेटर को इसे अच्छा ऐसे ऊपर तरफ करके यहाँ से इसको लॉक हो गया। और फिर यहाँ ऊपर वाला पाइप यहाँ से देख रहे हैं तीन मुहा पाइप है, इसमें तीन मुहा पाइप लगा देते हैं देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पंपिंग करता हूँ, देखता हूँ मेरा कार्बेटर बढ़िया सेटिंग हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं कार्बेटर के पूरा एकदम तेल आ रहा है। अब चलता हूँ इसको चालू करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसका भी बांध देता हूँ मैं। इसको बांध दिया हूँ, अब आपको स्क्रू इसका टाइट कर देता हूँ।
यहाँ पर टाइट हो गया, तो यहाँ से मैं आपको चालू करता हूँ। इसका कार्बोरेटर से दिक्कत थी, मशीन जैसे लोड नहीं ले रही थी तो यहाँ से दिक्कत थी। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो मोबिल भी, यहाँ पर देख सकते हैं मोबिल भी आना शुरू हो गया। तो जैसे बाइक जो कस्टमर मेरे पास लेके आया था वो कह रहा था मोबिल भी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं मशीन से मोबिल आने लगा। तो इससे कहाँ दिक्कत होती है इसको भी मैं एक बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं टंकी के अंदर एक फिल्टर लगता है, अगर ऐसी दिक्कत हो तो टंकी के अंदर एक फिल्टर लगता है, फिल्टर को आप निकाल के साफ कर दें तो जिसे कभी कचरा उचरा फंस जाता है तब दिक्कत होती है, मोबिल इससे चैन पे नहीं जाती है। तो आप ये ट्रिक जरूर अपनाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस फर्स्ट क्लास मशीन चालू हो रहा है, तो आपको चालू करके दिखा देते हैं। फिर देख सकते हैं गाइस मैंने आपको चालू करके दिखा दिया। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ थी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी इसका चैनसा मशीन का पार्ट पूजा चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कार्बोरेटर से ही दिक्कत थी, ये तो कंफर्म हो गया मशीन चालू हो गया। तो यहाँ पर मोबिल भी नहीं आ रहा था, तो देखते हैं मोबिल भी आने लगा। तो इसका जो पहले पिछले मैंने बताया था फिल्टर से, यहाँ से ही दिक्कत होगी। तो मैं इसको बांध देता हूँ, फिर मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में।